ये हमारे पास वैरायटी है, ये खिलाती है डेथ लेयर। ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम आया है, ये बेसिकली ब्लू ऑस्ट्रोलॉब है, ये भी फर्स्ट टाइम आया पाकिस्तान में। ये नेटिव हुई नैदरलैंड की, जी हाँ। ये कहलाती है स्पेक्टर सक्स, लैट सक्स पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत आई हैं पहले। बेसिकली डार्क ब्रामा की मादी है, तो आपको मैंने मेल दिखाए थे इनके, माशाल्लाह बहुत। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल, मैं हूं जहाज़िब जमशेद और आप लोग की खिदमत में एक बार फिर से एक प्रोग्राम के साथ पेश हूं। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं फैंसी हैन का सेटअप। व्यूअर्स, आप व्यूअर्स को तो दिखाते रहते हैं हम लोग जो मार्केटों में हैन एंड रूस्टर आते हैं, जो भी ब्रीड आती है, लेकिन यहाँ पर जो हम सेटअप हैं थोड़ी हट के ब्रीड है और ये रेयर ब्रीड है। तो ये इंशाल्लाह कवर करेंगे, आप लोग की खिदमत में पेश करेंगे। यहाँ पर जो ऑनर होते हैं, यहाँ पर जो डीलर होते हैं, वो दानियल साहब है। तो दानियल साहब की खिदमत लेते हैं और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं। और इस सेटअप तमाम जितने भी हैं एंड रूस्टर है, तमाम इंपोर्टेड हैं, रिंग बर्ड हैं। तो आइए दानियल साहब की तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे दानियल साहब, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए कैसे? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ये बताएं कौन कौन से हमारे व्यूवर्स को आज रेयर आप ब्रीड दिखाने वाले हैं एंड रूस्टर में? हमारे पास माशाल्लाह काफ़ी वैराइटीज़ हैं। अभी हमने रिसेंटली इम्पोर्ट करवाई हैं, बेल्जियम से आई हैं, रोमानिया से आई हैं, जर्मनी से, जिसमें हमारे पास फाइटर शामोज भी हैं। इसके अलावा फैंसी चिकन्स में काफ़ी सारी वैराइटीज़ हैं जो फर्स्ट टाइम आई हैं पाकिस्तान में, तो वो आपको इंशाल्लाह सारी दिखाते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पर जितने भी आपके पास हैन एंड रूस्टर हैं, तमाम रिंग बर्ड हैं, बाहर के इंपोर्टेड हैं? जी हाँ, सब कुछ हमारे पास इंपोर्टेड है, लोकल कोई भी बर्ड नहीं है हमारे पास। कोई भी लोकल बर्ड नहीं है? नहीं। तो आए देखते हैं, नज़र डालते हैं, व्यूअर्स को दिखाते हैं। मोस्ट वेलकम। आज तो अब हम आ गए हैन के पोर्शन में। यहाँ पर बड़े बड़े केजेस हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने सारे जो के वराइटीज़ उनको सेपरेट करके रखा हुआ है। तो बारी बारी केज पर नज़र डालेंगे, देखेंगे कौन कौन सी ब्रीड है और उनके मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। जी दानियल साहब, यहाँ पर कौन से आपने हैन एंड रूस्टर रखे हैं? ये हमारे पास वैरायटी है, ये कहलाती है डेथ लेयर। ये पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम आए हैं अभी और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में से हमारे पास ही हैं। इनकी खासियत ये है कि हर मुर्गी की एक अंडे देने की ना एक्सपायरी एक एज होती है। कोई मुर्गियों की 2 साल होती है, किसी की 3 साल होती है। इसकी क्वालिटी ये है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जब तक ज़िंदा है ना, चाहे 8 साल तक ज़िंदा रहे या 10 साल तक ज़िंदा रहे, ये अंडा देती रहेगी, तभी इसका नाम डेथ लेयर है। मरने तक ये अंडे देती है, अंडे देती रहती है, स्टॉप नहीं होती। नहीं, इसके इनके अंडे स्टॉप नहीं होते। पूरे 12 महीने ब्रीड एगलिंग्स करती हैं? नहीं, पूरे 12 महीने तो नहीं, वैसे है बेसिकली ये फैंसी ब्रीड, थोड़े कम अंडे हैं, लेकिन ये इनकी ना कोई एक्सपायरी नहीं है। 8 साल 10 साल जब तक ये जिंदा है, उन्होंने सारी ज़िंदगी उतने ही अंडे देनी है जितनी ये डे वन से देंगे स्टार्टिंग में। अच्छा, ये बताइएगा कहाँ के ब्रीड है? ये जर्मनी से हमने इम्पोर्ट करवाई है। जर्मनी से आई हैं? जी हाँ। तो पर पेयर जो है क्या डिमांड है? नहीं, बेसिकली ये ब्रीडर तो हम सेल नहीं कर रहे हैं, हमारे पास के चिक्स होंगे, इंशाल्लाह चिक्स हम इनके ज़रूर देंगे लोगों को। ये हमने अपने शौक के लिए रखा हुआ है, अपनी ब्रीडिंग के लिए। अच्छा, नॉट फॉर सेल है? नहीं सर। वैसे मार्केट वैल्यू कितनी होगी पाकिस्तान में इंपोर्ट हुए तो? सर देखें, अभी तो ये अनमोल है ना, तो अनमोल चीज़ का तो जिसके जो दिल करे पैसे मांग ले। मार्केट वैल्यू तो उसकी होती है जो चीज़ ऑलरेडी पाकिस्तान में हो। ये फर्स्ट टाइम आए हैं तो ये अनमोल है बेसिकली। अच्छा, ये बताएं आपने जर्मनी से इम्पोर्ट करवाया, वहाँ से जो आपने इम्पोर्ट करवाया आपको क्या कॉस्ट पड़ी इस पर? मुझे ये पर पेयर कॉस्ट किया अराउंड को 70,000, यानी कि 35,000 पर पीस के हिसाब से मुझे कॉस्ट किया है। ये 35,000 के पीस के हिसाब से आपको कॉस्ट पड़ी है? जी हाँ बिल्कुल। जी दानियल साहब, यहाँ पे कौन सी ब्रीड है? ये बेसिकली ब्लू ऑस्ट्रोलॉब है, ये भी फर्स्ट टाइम आया पाकिस्तान में। ब्लैक ऑस्ट्रोलॉब का तो बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन ये ब्लू ऑस्ट्रोलॉब फर्स्ट टाइम आया पाकिस्तान में। ब्लू ऑस्ट्रोलॉब है? जी हाँ। तो ये फॉर सेल है? जी हाँ बिल्कुल। तो पेयर की डिमांड कितनी है? ये मैं 80,000 का पेयर सेल कर रहा हूँ उसका। 80,000 का पेयर है? जी हाँ, 40,000 पर पीस। अच्छा, इनकी एज कितनी है? ये स्टार्टर हैं, भी फर्स्ट टाइम उन्होंने लेंगे स्टार्ट करी है फीमेल्स ने, तकरीबन को 6 से 7 महीने के हैं। 6 से 7 महीने के फर्स्ट टाइम फीमेल्स ने एगलिंग स्टार्ट करी? जी हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो ये बताइएगा ये कहाँ के ब्रीड है? ये बेसिकली ये भी मैंने जर्मनी से ही मंगवाई हैं, जर्मनी का शो विनर ब्रीडर था, मैंने उससे लिए हैं ये सारे बर्ड्स। इनकी माशाल्लाह क्वालिटी ये है कि ऑस्ट्रोलॉब दुनिया में सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी है। ये एक मुर्गी साल में तकरीबन को 320 तक के करीब अंडे देती है, जो उसकी कैपेसिटी है। तो उसी हिसाब से हमने ये मंगवाई है। ब्लैक ऑस्ट्रोलॉब तो पाकिस्तान में पहले बहुत था, ब्लू ऑस्ट्रोलॉब फर्स्ट टाइम आया पाकिस्तान में। जी दानियल साहब, ये कौन सी ब्रीड है? ये काफ़ी देखा हुआ कलर लग रहा है। नहीं, ये देखा हुआ कलर तो नहीं है, बेसिकली रेयर वैरायटी है। ये कहलाती है स्पेक्टर ससक्स, लैट ससक्स पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत आई हैं पहले, तो अभी नया कलर है इसमें स्पेक्टर ससक्स। ये नया कलर है? जी हाँ। पेयर की डिमांड कितनी है? ये इसकी 65,000। जी हाँ। अच्छा, इनके बारे में बताएं कहाँ की ब्रीड है? ये बेसिकली बेल्जियम से आए हैं मेरे पास, 6 से 7 महीने के हैं, फर्स्ट टाइम उन्होंने ब्रीडिंग स्टार्ट करी है, तो बेल्जियम से इम्पोर्ट किए मैंने ये सारे। 6 से 7 महीने के एगलिंग स्टार्ट करी है? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं अंडे बच्चे कितने अर्से में करने लगेंगे?
ये अभी माशाल्लाह उन्होंने अंडे देना स्टार्ट कर दिए हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से इनके बच्चे भी निकलना शुरू हो जाएंगे। और ये है इनकी क्वालिटी, ये है तकरीबन ये 3-3.5 साल तक अंडे देती हैं। इनकी एग लेइंग कैपेसिटी एक माती तकरीबन साल में 180 से 190 के करीब अंडे देती है। ठीक है, स्पेयर की प्राइस कितनी है इसकी? 65,000। 65,000 जी हाँ जी। दानियल साहब मैं देख रहा हूँ ये कलर थोड़ा डिफरेंट है, ये कौन सी ब्रीड है? ये सब वैरायटी कहलाती है वॉरवर्क। अच्छा, तो ये नेटिव कहाँ की है? ये बेल्जियम की। ये भी बेल्जियम है जी हाँ। तो ये बताएं स्पेयर की डिमांड कितनी है इसकी? 60,000। 60,000 इसकी डिमांड है जी हाँ पेयर की। ये भी तकरीबन अभी 5.5-6 महीने की है, इंशाल्लाह 8वें महीने में ब्रीड करना स्टार्ट कर देंगी। अभी इन्होंने एगलिंग स्टार्ट करी? नहीं अभी, बस इंशाल्लाह ये मोस्ट ऑलवेज 10-15 दिन में, मैक्सिमम 20 दिन में इनके अंडे आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्रॉसिंग इनमें स्टार्ट हो गई है। अच्छा, ये बताएं इसके चिक्स अवेलेबल हैं आपके पास? इंशाल्लाह नवंबर एंड में इनके चिक्स अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा दानियल साहब, ये साल में कितनी दफ़ा एगलिंग करते हैं? ये माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड है एगलिंग के हवाले से। ये एक मादी तकरीबन साल में 200 से 250 के करीब अंडे देती है, और ये 3 साल तक अंडे देती हैं। 3 साल तक अंडे देती हैं जी हाँ। व्यूअर्स, यहाँ पर दूसरा हैन एंड रूस्टर का उन्होंने पोर्शन बनाए हुए, केजेस वाइज रखे हुए। इसके अलावा यहाँ पर खोलते भी हैं मुर्गियों को, एक बड़ा सेटअप दिया हुआ है उन्होंने मुर्गियों को, ताकि सहलकदमी भी करें, और सेपरेट इन्होंने वैराइटीज़ के हिसाब से रखे हुए। तो आइए इन पर भी नज़र डाल लेते हैं जी। दानियल साहब, कलर तो काफ़ी अच्छे हैं, कौन सी ब्रीड है? ये बेसिकली कहलाते हैं इसाबेल ब्रामा बेंटम। ये फर्स्ट टाइम आए हैं पाकिस्तान में, ये फर्स्ट टाइम इम्पोर्ट हुआ पाकिस्तान में जी हाँ। ठीक है, तो इनके बारे में और कुछ मज़ीद बताएं। ये बेसिकली ये जर्मनी की ब्रीड है, और माशाल्लाह फैंसी ब्रीड है ये, इंतहाई खूबसूरत कलर आपको नज़र आ ही रहे होंगे। एज के बारे में बताएं, इनकी एज कितनी हो गई? ये भी तकरीबन 6.5-7 महीने के, इन्होंने फर्स्ट टाइम अभी लेइंग स्टार्ट करी, अंडे देना शुरू कर दिए इन्होंने। तकरीबन 2-3 महीने में अंडे बच्चों पर आ जाएंगे? नहीं, अभी अंडे दे रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से इनके बच्चे बिल्कुल निकलेंगे। अभी अंडे इनके लगाने हमने स्टार्ट कर दिए हैं। इनकी ब्रीडर्स की डिमांड कितनी है? इनके पे की डिमांड 40,000। 40,000 है जी हाँ। पाकिस्तान में पहली दफ़ा ब्रीड जी हाँ, पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम आए हैं ये। अच्छा, ये बताएं साल में कितनी दफ़ा एगलिंग करते हैं? साल में तकरीबन 4 दफ़ा ब्रीड करते हैं। वैसे पूरा साल में एक मादी जो है 150 के करीब अंडे देती है। एक मादी 150 के करीब अंडे देती है जी। साल में 4 दफ़ा ब्रीड करते हैं जी। जी दानियल साहब, ये बगैर टेल के? जी हाँ बिल्कुल, ये बगैर टेल के हैं। अब इनकी सबसे इनमें माशाल्लाह बाकी काफ़ी चीज़ों की खासियत है इनमें। एक तो इनके आपको नज़र आ रहा होगा मुंह पे माशाल्लाह फीमेल्स के मूछे टाइप निकली हुई हैं साइडों में से। सेकंडली इनकी दो मोती नहीं है पीछे से ना, और इनकी नहीं। और तीसरी सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि इनके जो अंडे होते हैं वो ग्रीन रंग के होते हैं, ग्रीन रंग के अंडे देती हैं ये। ग्रीन रंग के अंडे जी हाँ माशाल्लाह। अच्छा, इनका फेस भी बिल्कुल ऐसी जैसे जो हमारे असील नहीं होते फेस लुक, इनका बिल्कुल ऐसे ऐसा लग रहा है असील हैं बगैर टेल वाले। नहीं, असील के मुंह पे उनके मुंह पे ऐसे साइड में से वो मूछें नहीं निकली होती ना, ये बेसिकली ये मुर्गियों में फेवरेट कहा जाता है इनको, तो इनकी माशाल्लाह काफ़ी लंबी मूछें होती हैं इनकी। अच्छा, नेटिव कहाँ के हैं? ये जर्मनी की। ये भी जर्मनी की हैं जी हाँ। तो ये बताएं कि इनकी एज इस वक्त कितनी है? ये तकरीबन 6 से 7 महीने की है, उन्होंने लेइंग स्टार्ट कर दी है, माशाल्लाह अंडे आ रहे हैं इनके। ठीक है, तो साल में कितनी दफ़ा एगलिंग करती हैं? ये भी तकरीबन साल में 4 से 5 दफ़ा अंडे देती हैं। 4 से 5 दफ़ा एगलिंग करती हैं जी हाँ। ठीक है, तो पेयर की डिमांड कितनी है? इनके पेयर की डिमांड 50,000। 50,000 है जी हाँ। और क्या इसके चिक्स अवेलेबल हैं? चिक्स इंशाल्लाह इसके नवंबर से अवेलेबल होंगे। इसका हम चिक्स सेल करते हैं 2500 का। 2500 का चिक्स सेल करते हैं जी हाँ। सिंगल के बता रहे हैं जी? जी दानियल साहब, मैं देख रहा हूँ गोल्डन बफ की तरह लग रहे हैं। नहीं, ये बेसिकली बफ ब्रामा है। बफ ब्रामा है जी हाँ, ब्रामा है, ये ब्रामा ब्रीड है। ठीक है, तो नेटिव? ये नेटिव नैदरलैंड की है। नैदरलैंड की है जी हाँ। ठीक है, तो इनकी डिमांड कितनी है? इनकी डिमांड पेयर की 80,000। पेयर की 80,000 जी। अच्छा, इस वक्त इनकी एज कितनी है? ये तकरीबन 6 से 7 महीने के हैं, 8 महीने बल्कि सॉरी, इन्होंने जी इन्होंने अंडे देना शुरू कर दिए हैं। अच्छा दानियल साहब, ये बताएगा कि साइज़ में और मजीद बड़े होंगे, इनका मैक्सिमम साइज़ है? नहीं, अभी इंशाल्लाह और बड़े होंगे, अभी तो ये पट्टे हैं, फर्स्ट टाइम स्टार्टर हैं, नेक्स्ट ईयर जाके ये अपना साइज़ कम्प्लीट करेंगे, फुल और मजीद साइज़ निकालेंगे जी इंशाल्लाह। तो ये साल में कितनी दफ़ा एगलिंग कर लेते हैं? ये साल में 3 दफ़ा अंडे देती हैं, एक मादी जो है तकरीबन पूरे साल में 120 के करीब अंडे देती है जी। दानियल साहब, मैं देख रहा हूँ काफ़ी डार्क कलर में ये, इसका जो वाइट एकदम खिलता हुआ है, और जो ब्लैक इसके फेस पे आ रहा है वो काफ़ी डार्क है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। कहाँ की ब्रीड है ये? ये बेसिकली फ्रांस की है, ये कहलाते हैं लेकिन वेंडर, ये मेरे पास फ्रांस से ही आए हुए हैं। माशाल्लाह तकरीबन 6 से 7 महीने इनकी एज है, मुर्गियाँ इनकी दूसरे केज में, लेकिन उन्होंने माशाल्लाह अंडे देना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, आपने फीमेल्स को सेपरेट क्यों किया? फीमेल्स को भी इस वजह से सेपरेट किया हुआ है कि मेल्स जो है ना माशाल्लाह ये काफ़ी अग्रेसिव है,
तो हाँ जी फीमेल को गंजा कर देते हैं तो फीमेल ना फिर खूबसूरती ख़राब होती है उनकी, इनको बस हम साथ छोड़ते हैं, क्रॉसिंग करवाते हैं और सेपरेट कर देते हैं। अच्छा, साल में कितनी दफ़ा एगलिंग करते हैं ये? माशाल्लाह काफ़ी अच्छी एग लेयर है ये, साल में तकरीबन को पाँच दफ़ा के करीब ये लेइंग करती हैं और साल में तकरीबन 170-180 के करीब अंडे देती हैं ये। ठीक है, तो इनकी पेयर की डिमांड कितनी है? इसके पेयर की डिमांड 60,000। 60,000 जी हाँ। चले इनकी फीमेल पर भी नज़र डालते हैं। ठीक है जी, ये फीमेल्स हैं? जी हाँ बिल्कुल, ये फीमेल्स हैं इनकी, लेवेंडर की। माशाल्लाह 6 से 7 महीने की इन्होंने अंडे स्टार्ट कर दिए हैं, तो अभी इंशाल्लाह होपफुली 3 साल तक, अल्लाह ताला ने अगर ज़िंदगी दी तो 3 साल तक ब्रीड करेंगी ये। अच्छा ये बताएं दानियाल साहब, इनके चिक्स आपके पास अवेलेबल होंगे क्या? जी नवंबर में इंशाल्लाह, नवंबर में चिक्स मिल जाएंगे। जी बिल्कुल। तो चिक्स की डिमांड कितनी होगी? 2500 ईच। 2500 ईच। अच्छा आप जो 2500 ईच बता रहे हैं तो इनकी चिक्स की एज कितनी होगी? तकरीबन हफ्ता था 10 दिन। हफ्ता 10 दिन? जी हाँ। अच्छा इनका लाइफ स्पेंड कितना होता है? ये तकरीबन 4 साल तक रहती हैं ये जिंदा। 4 साल तक ज़िंदा रहती है? जी बिल्कुल जी। दानियाल साहब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो एक पेयर है बिल्कुल सेपरेट हुआ हुआ है, ये कौन सी ब्रीड है? ये बेसिकली सिल्वर लेस वाइन डॉट है सर। सिल्वर लेस वाइन डॉट है, तो हाँ। ये बताएं नेटिव कहाँ के होते हैं? ये मैंने मंगवाया स्वीडन से। स्वीडन से मंगवाया? जी हाँ। अच्छा मुझे लग रहा है पेयर जो है मेच्योर है, ये क्या मेच्योर पेयर? बिल्कुल मेच्योर पेयर है, एगलिंग कर रहा है फीमेल, माशाल्लाह अंडे दे रही है इसकी। अच्छा इनकी एगलिंग प्रोसीजर वगैरह कब तक है, यानी साल में कितनी दफ़ा? ये साल में 150 के करीब अंडे देती है और तकरीबन 4 साल तक अंडे देती है ये माशाल्लाह। 4 साल तक अंडे देती है? जी हाँ। ठीक है, तो पेयर की डिमांड कितनी है? पेयर की डिमांड सर 75,000। 75,000 जी हाँ। जी दानियाल साहब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर भी आपने कुछ ब्रीड्स अलग करी हुई हैं, ये कौन कौन सी ब्रीड्स हैं इसमें? ये बेसिकली ब्लू कोलंबियन ब्रामा है, यहाँ पे मेरे पास बफ ब्रामा है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये सामने वाइट कलर का आप देख रहे होंगे, इसे गर्दन पे रेसिंग है ब्लू कलर की, ये ब्लू कोलंबियन है। ये सारे मेरे पास रोमानिया से आए हैं माशाल्लाह, रोमानिया से आज तक पहले ब्रामा पाकिस्तान आया नहीं था। फर्स्ट टाइम ब्रीड इनकी भी वो आई है? जी हाँ, फर्स्ट रोमानिया था, फर्स्ट टाइम आए हैं माशाल्लाह, साइज़ वगैरह बहुत बड़े हैं इनके माशाल्लाह से। अच्छा तो पेयर की डिमांड कितनी है? ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली डार्क ब्रामा है, ये डार्क ब्रामा के 2 मेल्स हैं, फीमेल इनकी वहाँ पर सेपरेट हैं, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा अभी। ये भी माशाल्लाह रोमानिया से आया है मेरे पास। अच्छा डार्क ब्रामा के पेयर के बारे में बताएं, कितने की पेयर चल रही है? मैं इसका पेयर की डिमांड कर रहा हूँ 90,000। 90,000 जी। अच्छा जो वाइट ब्रामा है, जो ब्लू कोलंबियन है, उसके पेयर की डिमांड 85,000 जी हाँ। ब्लू कोलंबियन जी, इनके बारे में बताएं। ये मैं आपको बताया था, ये रोमानिया से आए हैं माशाल्लाह, अभी 7 से 8 महीने इनकी एज है, अभी फ़र्स्ट टाइम ब्रीड पे आ रहे हैं इंशाल्लाह। ये नेक्स्ट ईयर इनका साइज़ और ही बड़ा होगा, जब तक ये मेच्योर हो जाएंगे, अभी ये स्टार्टर हैं, पट्टे हैं ये सारे ना अभी। अच्छा तो इनकी डिमांड कितनी पेयर की? 85,000 की डिमांड पे। 85,000 डिमांड है। अच्छा ये साल में कितनी दफ़ा एगलिंग करते हैं? ये 3 दफ़ा एगलिंग करती हैं इनकी मादा, साल में तकरीबन 120 के करीब अंडे देती है। 120 के करीब अंडे देती हैं जी हाँ। अच्छा ये 3 दफ़ा जो आप एगलिंग बता रहे हैं, ये जो खुद ब्रीड करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल। अगर हम इंक्यूबेटर से लें तो फिर ये कितने दफ़ा? नहीं बेसिकली हम लोग हैचिंग तो इनकी इंक्यूबेटर से ही करवाते हैं, हम इनके नीचे तो ये फैंसी ब्रीड्स हैं, ये खुद हैच नहीं करती हैं, इंक्यूबेटर से ही बच्चे निकालने पड़ते हैं। जी हाँ। अच्छा आपने कहा ये पट्टे हैं, तो क्या इसका मकसद ये और साइज़ इंक्रीज़ करेंगे? जी हाँ बिल्कुल, अभी ये तकरीबन 7 महीने के भी इन्होंने दाना देना स्टार्ट करी हैं, तो अभी और साइज़ करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक ही जाके हम पूरा प्रॉपर फुल साइज़ में आएंगे ये। अच्छा अभी इनका वेट कितना होगा? वेट इनका तकरीबन एक बर्ड का 7 से 8 केजी होता है इसका। 7 से 8 केजी। और जब मैक्सिमम अपनी मैच्योर फॉर्म में आ जाते हैं तो इनका वेट कितना होता है? तकरीबन 10 से 12 केजी तक हो जाता है। 10 से 12 केजी तक होता है जी। तो मैं जी अदील साहब इस ब्रीड के बारे में बताएं, कौन सी ब्रीड है ये? बेसिकली शामू है, ये जर्मनी से आए हैं सारे, ये फाइटर ब्लड लाइन है ये माशाल्लाह, इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। अभी ये मेल पट्टा है जिसमें आप देख सकते हैं, अभी इसके पैरों में कीले आना इसकी स्टार्ट हुई हैं, रिंग बर्ड है ये, इसके पैर में रिंग डाला हुआ है। फाइटर ब्लड लाइन है जी हाँ, फाइटर हैं सारे। अच्छा तो इसकी डिमांड कितनी है? इसकी डिमांड 70,000। सिर्फ मेल की या पेयर की? नहीं नहीं मेल की सर खाली।
अच्छा, आपने कहा फाइटर ब्लड लाइन है, तो क्या यहाँ की जो ब्रीड होती है मियांवाली, क्या उसको हरा सकता है? नहीं, इसका मियांवाली का कोई मुकाबला तो नहीं है, वो तो बेचारा इसके कंधे तक ही आता है, ये साइज़ में बहुत बड़ा है माशाल्लाह। नहीं, मैंने सुना है मियांवाली छोटी ब्रीड होती है और लड़ाई में सबसे एक्सपर्ट होती है, बड़े बड़ों को ढेर कर देती है, तो अगर इनका मुकाबला होगा तो कौन सी ब्रीड जीतेगी? वो तो फिर जब मुकाबला होगा तब देखी जाएगी, अभी तक तो हमने नहीं लड़वाया कि बेचारा मियांवाली के साथ ज्यादती वाली बात है। अच्छा जी, आपका अंदाज़ा ये कहता है कि मियांवाली को आराम से हरा देगा, डिफीट कर देगा? बिल्कुल, सारी दुनिया में ये फेमस है लड़ाई की वजह से अपने। अच्छा, इसकी एज कितनी बताई आपने? ये अभी तकरीबन 7 महीने का है, अभी इसने जान देना स्टार्ट करी है रिसेंटली। 7 महीने का है, तो यानी इसका मकसद ये और साइज़ निकालेगा? जी इंशाल्लाह, साइज़ में और बड़े होंगे। जी इंशाल्लाह। अभी इसका वेट कितना होगा? वेट इसका होगा तकरीबन 5 kg। 5 kg इसका वेट है, और मैक्सिमम मैच्योर फॉर्म में इसका वेट कितना होता है? तकरीबन 7-7.5 kg। 7-7.5 kg। अच्छा, सिर्फ सिंगल मेल आप दे रहे हैं 70,000 का? जी जी। दानियल साहब, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वाइट हीरा बेक है, ये भी बाहर के इम्पोर्टेड है? जी हाँ, ये वही शामो ही है, ये भी साहब मेरे पास बाहर से ही आए हुए हैं, ये बेल्जियम में शो बना रहे, पूरे यूरोप में शो बन गया था आयमन मिस्टर, तो ये उनसे मैंने पट्टे मंगवाए। अच्छा, मैं देख रहा हूँ ये साइज़ में बिल्कुल पतले और काफ़ी लंबे लंबे हैं, थोड़े डिफरेंट लग रहे हैं। जी हाँ, बेसिकली ये फाइटर ब्लड है, तो लाजमी बात है इनका वेट इतना ज़्यादा होता नहीं है, इनकी हाइट ही ज़्यादा होती है। अभी तो माशाल्लाह बच्चे हैं ये, अभी तो बिल्कुल ही छोटे हैं, 4-4.5 महीने के। 4-4.5 महीने के? जी हाँ, 4-5 महीने के होंगे मैक्सिमम, अभी इनको तैयारी में भी टाइम है, 5-6 महीने इंशाल्लाह। बहुत ह्यूज साइज़ है इनका, जो इनके पेरेंट्स हैं वो तो हमने देखे हैं मैं पर्सनली, तो यूरोपियन चैम्पियन है, तो लाजमी बात है कुछ तो होगा ना पीछे। अच्छा, फाइटर ब्लड लाइन है? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, साइज़ में और कितने बड़े होंगे? अभी ये तकरीबन अपना 20% और इंक्रीज़ करेंगे साइज इंशाल्लाह। 20% और इंक्रीज़ करेंगे? जी इंशाल्लाह। अच्छा, इनकी सेहत ऐसी रहेगी जैसे बिल्कुल पतले पतले से लग रहे हैं, या बिल्ड निकलेगी इनकी? बेसिकली अभी ये पट्टे हैं, तो अभी जो इनकी एज है उस हिसाब से माशाल्लाह वेट बिल्कुल सही है, जैसे जैसे ये ग्रो होंगे तो लाजमी बात है वेट भी गेन करेंगे, चेस्ट भी इनका और ब्रॉड होगा, हर चीज़ इनकी वो अभी इंक्रीज़ होगी। अभी हाइट निकालने इस वजह से आपको थोड़ा कमज़ोर लग रहा है, जब इनकी हाइट प्रॉपर हो जाएगी उसके बाद इनका जो बॉडी वो इंक्रीज़ होना शुरू होगी। जी, इस ब्लैक वाले के बारे में बताएं? ये भी बेसिकली शामो ही है, फाइटर ब्लड है, जैपनीज शामो कहलाता ही है। तो इनकी डिमांड कितनी है? इसकी डिमांड बहुत 55,000। और हीरा के? हीरा के 65,000। हीरा के 65,000? जी हाँ। जी दानियल साहब, ये फीमेल्स हैं? जी हाँ, ये ब्रामा की फीमेल्स हैं। ब्रामा की फीमेल्स हैं? जी हाँ बिल्कुल, नो लाइट ब्रामा दोनों। ये बताइएगा मैच्योर फॉर्म में या पट्टे हैं? नहीं, अभी ये पट्टियाँ हैं इंशाल्लाह, अभी ये 15-20 दिन में इनकी लेंगे स्टार्ट हो जाएगी, क्रॉसिंग इनकी स्टार्ट हो गई है, 15-20 दिन में ही अंडे स्टार्ट कर देंगी। जी दानियल साहब, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर सिल्कीज भी मौजूद हैं, ये बताएं कि यहाँ की जो लोकल ब्रीड है उससे हट कर है या वही चीज़ें? नहीं नहीं, बहुत डिफरेंट है, इनके माशाल्लाह साइज़ बहुत अच्छे हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इनकी पामोजिंग देखें, इनके हेड देखें, ये टोटली डिफरेंट है, रिंग बर्ड्स हैं, ये जर्मनी से आए हैं। जर्मनी से आए हैं? जी हाँ। अच्छा, तो इनकी डिमांड कितनी है? 40,000 डिमांड है? जी हाँ। अच्छा, इनकी एज कितनी है इस वक्त? ये भी स्टार्टर हैं, तकरीबन 5-5.5 महीने के, नेक्स्ट मंथ से लेंगे स्टार्ट करेंगे। साल में कितनी दफ़ा एगलिंग करते हैं? सिल्की साल में 3 दफ़ा अंडे देती है, टोटल 80-90 अंडे देती है एक मादी पूरे साल में। 80-90 अंडे देती है? जी हाँ। जी दानियल साहब, ये बेसिकली डार्क ब्रामा की मादी है, तो आपको मैंने मेल्स दिखाया था इनके, माशाल्लाह बहुत बड़े यूज साइज़ के हैं, फीमेल्स भी उन्हीं साइज़ की हैं। अच्छा, मैच्योर फॉर्म में नहीं अभी पट्टी हैं? नहीं, इन्होंने एगलिंग स्टार्ट कर दी है माशाल्लाह, मैच्योर रही है। मैच्योर रही हैं जी। अच्छा, यहाँ पे जो देख रहे हैं अभी फीमेल्स हैं सारी? जी हाँ, सारी फीमेल्स हैं माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर इनको आप खोल देते हैं, थोड़ी चहलकदमी कर लेते हैं, एक्टिविटी बिल्कुल दिन में, ताकि बाहर घूमे फिर रहे हैं, थोड़ा ज़रा मौजे कर लें, फिर शाम में दोबारा अपने केजेस में चले आती हैं मेल्स के साथ ब्रीडिंग के लिए। अच्छा दानियल साहब, ये जो हैंड एंड रूस्टर होते हैं केज में ज़्यादातर रहते परेशान रहते हैं, इनको आज़ादी चाहिए होती है, खुली जगह चाहिए होती है? खुली जगह यानी कि लिमिटेड टाइम के लिए चाहिए होती है, बाहर आए थोड़ा बहुत ये चलें फिरें ताकि इनके हाथ पैर खुलें, दिन में आप इनको आधा घंटा खोल लें इनफ है इनके लिए, आधा घंटा खोलने के लिए इनफ है जी। लेकिन दिन में डेली रोज़ाना इनको एक्टिविटी चाहिए, अटेंशन चाहिए? तो लाजिम आता है, जितना आप इनको वो टाइम देंगे ये बड़ खुश रहेगा, वो उतना फिर आपको अच्छा रिजल्ट देगा। जी दानियल साहब, यहाँ पर कौन सी ब्रीड है? ये बेसिकली हैमबर्ग है, ये भी मेरे पास बेल्जियम से आए हैं, माशाल्लाह 6-7 महीने इनकी एज है, 2020 के रिंग डाले हुए हैं इनके पैर में, 2020 के रिंग डाले हुए हैं? जी हाँ। ठीक है, तो ये बताएं कि जो पेयर है इनकी एज कितनी है? ये तकरीबन 6-7 महीने के हैं अभी। 6-7 महीने के हैं? जी हाँ। तो मैच्योर फॉर्म में आने में कितना टाइम लगेगा? ये तकरीबन मैच्योर ही हैं, इसी एज में आके ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे अभी? जी हाँ। तो पेयर की डिमांड कितनी है? इसकी डिमांड है 60,000। 60,000 है? जी हाँ। अच्छा, इनके एगलिंग साल में कितनी दफ़ा आते हैं? इनकी एगलिंग साल में 4 दफ़ा आती है।
चार दफ़ा साल में एगलिंग करते हैं। जी हाँ जी। दानियल साहब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर भी कुछ आपने रखे हुए हैं, कि आपके अपने ज़ाती शौक के लिए? जी हाँ, बेसिकली इमोस कहलाते हैं ये हमने अपने ज़ाती शौक के लिए रखे हुए हैं। इमोस कहलाते हैं? जी हाँ। तो ये भी बाहर की ब्रीड है? जी हाँ, इम्पोर्टेड है, साउथ अफ्रीका से इम्पोर्ट हुए हैं। जी ये बताएं दानियल साहब, इन्होंने ब्रीड किया नहीं? नहीं, अभी ये बच्चे हैं, अभी ये 7-8 महीने के बच्चे हैं, इंशाल्लाह भी तकरीबन 5-6 महीने बाद जाकर ब्रीड करेंगे ये। अच्छा तो मैं ये पूछ अच्छा तो ये बताएं कि आपके अपने ज़ाती शौक के लिए अगर कोई शौक करना चाहे, कोई ख़रीदना चाहे, तो आप क्या इम्पोर्ट करवा के दिलवा सकते हैं? नहीं, मैंने ये सेल भी करना है ये वाले, तो किसी को चाहिएंगे तो दे देंगे। अच्छा, इनकी डिमांड कितनी है? 1 लाख रुपीज़ पर पीस। लाख रुपये पर पीस? 1 लाख रुपये पर पीस। जी हाँ जी। दानियल साहब, एंड में मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा, ये बताएं कि आप इतने सारे यहाँ पे आपने हैन एंड रूस्टर रखे हैं, इनकी केयर किस तरीके से करते हैं आप? बस ये है कि बंदे रखे हुए, बंदे सारा दाना पानी करते रहते हैं, बाकी सुपरविजन हमारी अपनी होती है। जो बस नॉर्मल जो जिस तरह आम मुर्गियाँ होती हैं वैसी रखते हैं, इनको बहुत ज़्यादा कोई सेंसिटिव तो नहीं होती है। फीड में क्या देते हैं आप इनको? पोल्ट्री फीड जो नॉर्मल यूज़ हो रही है पूरे पाकिस्तान में, वही यूज़ करते हैं हम लोग। तो बेसिकली सिंथ फीड यूज़ करते हैं, कुछ लोग कस्वा यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग सिंथ फीड यूज़ करते हैं। अच्छा, ब्रीडिंग के हवाले से कोई फार्मूला आप इस्तेमाल करते हैं? बस मल्टी वाइटामिन देते हैं इनको, और बूस्टर्स वगैरह इनको देते रहते हैं पानी में साथ इससे, और साथ में ये कि इनको सब्जियाँ वगैरह भी देते रहते हैं, उससे ये इनकी इम्यूनिटी अच्छी बन जाती है, इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाती है इनकी। तो यहाँ पर जिन्होंने ब्रीड इंपोर्ट किए, कुछ ब्रीड ऐसी भी हैं जो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इंपोर्ट हुई हैं, तो यहाँ पर कुछ ब्रीड उन्होंने अपने लिए भी मंगवाई हैं, तो उनसे मालूमात कर लेते हैं। दानियल साहब ये बताएं कि जितनी भी हमने ब्रीड देखी है यहाँ पर, तो उनके चिक्स अवेलेबल होंगे आपके पास? जी इंशाल्लाह, नेक्स्ट मंथ सबके चिक्स अवेलेबल होंगे। सबके चिक्स अवेलेबल होंगे? जी इंशाल्लाह। तो चिक्स के क्या डिमांड होगी, कुछ आइडिया देते हैं? डिफरेंट है, किसी का मिनिमम जो हमारे रेट्स होते हैं 2500 होते हैं, मैक्सिमम 5000 तक पर चिक होता है। पर चिक? जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमारे व्यूवर्स को यहाँ पे आपने हमें इनवाइट किया, यहाँ पे व्यूवर्स को बहुत सारी ब्रीड दिखाई है ना, दूसरे की ऐसी भी देखने को नज़र आई जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा आपने इंपोर्ट करवाई थी। तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करते हैं आप? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 03452991234, और यही नंबर मेरा व्हाट्सअप पर भी है। चलिए दानियल साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बस जजाक अल्लाह। व्यूवर्स, ये थी मुकम्मल एक फैंसी हैन एंड रूस्टर सेटअप के लेटेस्ट वीडियो। ये कवरेज हमने इसलिए की ताकि आपको यहाँ पर जो रेयर ब्रीड है वो दिखा सकें। हमारा सेटअप पे जाने का मकसद यही होता है कि आप तक जो मालूमात है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो नई ब्रीड है वो आप तक शेयर करें। तो आप व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह ताला फिर किसी सेटअप पर जाएंगे तो आपकी खिदमत में फिर एक बार फिर से पेश होंगे। तो जब तक के लिए मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।